नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत इन बीसीएन की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई कर रही है पूछताछ, मुख्यालय के बाहर कड़ी सुरक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान जारी, छत्तीसगढ़ में 2 घंटे में 56% वोटिंग, तो वहीं राहुल गांधी ने भी डाला बिल्लोरी में वोट। T20 वर्ल्ड कप वार्म अप मैच में भारत की पारी खत्म, ऑस्ट्रेलिया को 187 रनों का दिया टारगेट। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव मतदान शुरू, तो वहीं शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन कर दी शुभकामनाएं। दिल्ली में मनीष सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय के लिए निकले, शराब नीति केस में हो रही है पूछताछ। पंजाब के अमृतसर के रनिया सेक्टर में बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन, हथियारों की खेप बरामद। कोलकाता में बैंक फ्रॉड केस में आरोपी शैलेश पांडे के आवास में मिले 5,55,00,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी में नाव डूबने से 4 की हुई मौत, तो कई हुए लापता। और आज होगा नागपुर में जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव, कांग्रेस के मित्र दल सहित 34 सदस्य अंडरग्राउंड।